हेलो एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर एट कर्व इन स्पेस की कुछ डेफिनेशंस को स्टडी किया था एंड कुछ आर्टिकल स्टडी किए थे डेफिनेशन जैसे नॉर्मल लाइन के और नॉर्मल में भी दो फॉर्म थी प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल उसके बाद हमने कुछ फंडामेंटल प्लान्स किए थे उसके बाद हमने डायरेक्शन डे बाय नॉर्मल डायरेक्शन डे प्रिंसिपल नॉर्मल करवेक्चर के बारे में स्टडी किया था और टोजन के बारे में स्टडी किया था और फिर हमने सीरेट एंड फोरनेट फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था सीरेट एंड फोरनेट फॉर्मूले के मैंने दो पार्ट तो आपको करवा दिए थे थर्ड पार्ट आपको अपने आप ट्राई करना था उसको याद करने के लिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला आया है जिसके जिससे हम सर है वो सरट एंड फर फॉर्मूले को याद कर सकते हैं ये आप देख लेना ओके नाउ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द कर्वेचर एंड टर्जन एट द पॉइंट ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी हम कर्वेचर एंड टर्जन को एक पॉइंट ऑन द कर्व पे स्टडी करेंगे अब इन द टर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द पोजिशन वैक्टर आर ऑफ डेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डी के ठीक है टू फाइंड दी फॉर्मूला ऑफ कर्वेचर अब हम कर्वैचर का फार्मूला देखते हैं इफ़ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन दी कर्व हमारे पास कोई कर्व है जिस पे पॉइंट पी है और तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर कै वैक्टर तो आर वेक्टर डैश डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस एंड डी एस बाई डी टी डी आर बाई डी एस को हम क्या बोल सकते हैं आर वेक्टर डैश एंड डी एस वाई डी टी को क्या बोल सकते हैं एस का डोट डिफ्रेंशिएट आर वैक्टर डोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं आर वैक्टर डो डैश को इज इक्वल टू क्या होता है टी कैप के देन टी कैप एंड एस डोट अब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे देन इसका मैग्नीट्यूड करेंगे टी कैप का मैग्नीटूड क्या होता है इज इक्वल टू वन के होता है देन मैग्नीट्यूड ऑफ एसडोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एसडोट के अब हम क्या करेंगे डिफरेंशियट इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी वी है आर वैक्टर डे डॉट है तो आर वैक्ट डबल डोट हो जाएगा इज इक्वल टू टी कैप डैश एस डोट का स्क्वेयर प्लस टी कैप एंड एस डोट डबल डोट हो जाएगा देन हम इसको क्या रिटर्न कर सकते हैं आर वैक्ट डबल डोट इज इक्वल टू टी कैप को हम क्या बोल सकते हैं डी टी बाई डी एस एंड डी एस बाई डी टी एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं अब कापा एंड कैप इंटू एस डोट स्क्वेयर प्लस टी कैप एस डबल डोट बाय नेट फॉर्मूले से हमने क्या किया था टी कैप डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव किया था कापा एंड एंड कैप के नाउ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं आर वेक्टर डोट क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट क्या है हमारे पास टी कैप एस डोट क्रॉस प्रोडक्ट कापा एन यूनिट वैक्टर एस डोट का स्क्र प्लस टी कैप एस डबल डोट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आर वैक्टर डोट क्रॉस प्रोडक्ट आर वैक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू कापा क्रॉस इसके प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा एस क्यूब एस डोट क्यूब इंटू टी कैप एंड क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप टी कैप क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप किसके इक्वल आएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बी के इक्वल देन हम बोल सकते हैं आर वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू कापा एस डॉट क्यूब बी कैप तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन के आ जाएगा देन कापा आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड इन उसका क्यूब देन कापा क्या आ जाएगा इसके इक्वल में हमारा आर वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर डॉट का क्यूब विच इसवेचर ये हमारे पास क्या आ गई कर्वेचर की इक्वेशन आ गई कर्वेचर हमारे पास किससे डिनोट होता था के से ठीक है टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टोरिजन टोरिजन का फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन फोर्थ हमारे पास इक्वेशन फोर्थ क्या आई थी दिस अब हम इक्वेशन फोर्थ का क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट आर वैक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आर वैक्टर ट्रिपल डोट हो जाएगा प्लस आर वैक्टर डबल डोट इंटू आर वैक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस डॉट क्यूब कापा b बी कैप डैश एस डॉट प्लस बी कैप डी बाई डी टी एस डॉट क्यूब कापा इसको सोल्व करेंगे तो डी बाई डी टी क्या था हमारे पास डी वाई डी टी इंटू डी एस डी टी इसको हम क्या बोल सकते हैं बी कैप डैश एस डोट तो एस डैश एस डोट फोर का पा बी कैप डैश प्लस बी कैप डी बाई डी टी एस डॉट क्यूब का इक्वेशन सिक्सथ टेकिंग द डोट प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड सिक्स थर्ड और सिक्स इक्वेशन की हम डोट प्रोडक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी दिस अब इस वाली इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हम डोट प्रोडक्ट करेंगे देन क्या आएगा दिस इक्वेशन डोट प्रोडक्ट दिस के साथ दिस की वैल्यू क्या थी हमारे पास आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या था ये था डोट प्रोडक्ट क्या किसके साथ करेंगे? इसके साथ डोट प्रोडक्ट करते हैं तो बी कैप डैश क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू एन कैप लेट सी आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर डॉट एंड आर वेक्टर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एस डॉट सिक्स कापा का स्क्वेयर टू एन डोट बी क्या आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो के यहाँ से हमारे पास टी कैप डोट प्रोडक्ट एंड कैप इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो टी कैप डॉट प्रोडक्ट बी कैप इजिक्वल टू जीरो एंड आर वेक्टर डबल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डॉट क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास सारी इक्वेशन जीरो आ जाएगी देन आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर डबल डोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस डॉट सिक्स के स्क्वेयर एंड टू इक्वेशन सेवन इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं एस डॉट सिक्स एंड कापा स्क्वेर को यहाँ से हमने ये निकाला था ये इक्वेशन फिफ्थ ये री हम क्या बोल सकते हैं आर वेक्टर डोट क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डोट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा कापा एस डोट क्यूब के इक्वल देन हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एस क्यूब कापा स्क्वेयर तो हम इसका स्क्वेयर कर सकते हैं इंटू टू देन हमारे पास टू के इस क्या आ जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस टू की इक्वेशन क्या आ गई दिस के इक्वल आ गई टू शो डैट कापा इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डैश का मैग्नीट्यूड हमें कापा इज इक्वल टू इसके प्रूव करना है देन हम क्या करेंगे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे देन हमारा इक्वल प्रूव हो जाएगा लेट सी आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू टी कैप होता है आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू कापा एन कैप के इक्वल होता है पीछे हमने किया था तो आर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दिस की भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टी क्रॉस प्रोडक्ट एन के साथ करेगी देन क्या आएगा बी कैप देन यहाँ से ये प्रूव हो गया आर वेक्टर डैश क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू कापा बी डैश के इक्वल होता है देन इसका मैग्नीट्यूड कर देगी अगर इसका मैग्नीट्यूड करेगे देन बी का मैग्नीट्यूड क्या होएगा हमारा वन के इक्वल होता है तो कापा के इक्वल टू हो गया नाउ अब हम क्या करेंगे आर वैक्टर डैश इज इक्वल टू टी कैप आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू दिस अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एस आर वैक्टर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के डी एन बाई डी एस प्लस डी के बाई डी एस इन एन कैप इसको हम क्या बोल सकते हैं हमने पीछे लास्ट सर सर नेट एंड फोन नेट के थर्ड पार्ट्स में किया था कि टो डी एन बाई डी एस इज इक्वल टू टो बी कैप माइनस के डी कैप तो इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं दिस इस, प्लस दिस को हम क्या बोल सकते हैं के डैश एन कैप माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस के स्क्वेर टी कैप प्लस के डैश एन कैप प्लस के टो बीस कैप इक्वेशन थर्ड तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैन बी रिटर्न एज फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं फर्स्ट कोफिशेंट है हमारे पास इसका तो बाकी टर्म जीरो हो जाएगी या हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी और दिस तो हमारी क्यूबिक स्क्वेरिंग फॉर्म में या फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म हो जाएगी तो आर डैश वैक्टर आर वेक्टर डबल डैश आर वेक्टर ट्रिपल डैश इसकी ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट निकाल देंगे इसकी करेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू कापा स्क्र टो यहाँ से टो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी टो की वैल्यू क्या आ जाएगी आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश आर वेक्टर ट्रिपल डैश अबव आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वेयर उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम द नेसेसरी एंड सुफिशंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन इज डेट द करवेचर का पा इज इक्वल टू जीरो ऑल द पॉइंट ऑफ द कर्व हमारे पास क्या बोल रहे ये कि स्ट्रेट लाइन पे हमारी करवे ऑल पॉइंट्स ऑफ कर्व का पा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा देन हमें प्रूव करना है कि के इज इक्वल टू ज़ीरो है एक स्टेट लाइन पे कंडीशन इज इन नेसेसरी लेट की कर बी स्टेट लाइन हमारे पास कहूँ पे कोई स्टेट लाइन है इट्स वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू एस ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए और बी क्या है मेरे पास कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू ए वैक्टर के इक्वल हो जाएगा डी स्क्र आर बाई डी एस स्क्र इज इक्वल टू जीरो के हो जाएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं डबल डैश जीरो आर वैक्टर डबल डैश किसके इक्वल था हमारा उसका मैग्नेट्यूट कापा के इक्वल तो जीरो का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो तो कापा इज इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंडीशन इज सुफिशंट नाउ अब हम इसको इसका कंडीशन हमें नेसेसरी प्रूव करती है अब अब हम शफिशेंट प्रूव करेंगे लेट कापा इज इक्वल टू जीरो हम कापा इज इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं देन हम क्या प्रूव करना है कि आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर एस प्लस बी वैक्टर के इक्वल है तो कापा इज इक्वल टू आर वैक्टर डबल डैश का मैग्नीट्यूड क्या इज इक्वल टू जीरो आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो आर वैक्टर डैश इज इक्वल टू ए वैक्टर के देन यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा आर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे

कंडीशन इज नेसरी बाय अ प्लेन करव बी मीन द टेजेंट एंड नॉर्मल एट ऑल पॉइंट ऑफ द करव लाई इन दी प्लेन ऑफ द कर वी कॉन्क्लूड डेट ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ऑल पॉइंट ऑफ द करव इन इज द प्लेन ऑफ द करव यूनिट फैक्टर क्या होगा हमारे पास बी कैप अलोंग द बाई नॉर्म बाय नॉर्मल इज कॉन्स्टेंट डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो इसको हम क्या बोल सकते हैं माइनस टो एन कैप इज इक्वल टू जीरो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो तो कंडीशन इज नेसेसरी अब सुफिशेंट कंडीशन प्रूव करते टू इज इक्वल टू अगर जीरो एट ऑल पॉइंट ऑफ द कर्व के तो डी बी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस टू एन कैप हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो के तो बी कैप इज द कॉन्स्टेंट वैक्टर हो जाएगा यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एस आर वैक्टर इंटू बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एस डॉट बी कैप प्लस आर वैक्टर डी बी बैक कैप बाय डी एस इसको हम क्या बोल सकते हैं डी कैप डॉट बी कैप प्लस जीरो डॉट कैप डॉट प्रोडक्ट क्या है किसके इक्वल होती है इज इक्वल टू ज़ीरो तो बी डैश इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया डी वाई डी एस इंटू आर वैक्टर डॉट बी कैप इज इक्वल टू जीरो आर एंड बी इज अ एज वी नो आर वैक्टर एंड बी कैप इज द प्रोजेक्शन ऑफ पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर ऑन बी कैप इज कॉन्सटेंट दस द प्रोजेक्शन ऑफ पोजिशन वैक्टर आर क्टर ऑन बी कैप इज दी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन दी दर्व हमारे सेम हो गए इट शो डेट द कर मस्ट लाई इन प्लेन द नेसेसरी एंड सोफिशेंट कंडीशन कर टू बी प्लेन करव इज दिस इज इक्वल टू जीरो हमें क्या प्रूव करना है सुफिशेंट एंड अनसेसरी कंडीशन प्रूव करनी है हमें कि प्लेन कर्व पे हमारा जो है आर वैक्टर डैश आर वैक्टर डबल डैश आर वैक्टर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो होगा तो लेट स्टार्ट लेट द कर्व बी अ प्लेन कर्व हमारे पास कोई प्लेन कर्व है कर्व पे दी दो इज इक्वल टू जीरो ऑन दी कर्व पे देन हमारा क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कापा स्क्र टो के इक्वल होता है एंड इसको टो तो हमारा जीरो है देन हमारी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी दिस इज इक्वल टू जीरो विच इज नेसेसरी कंडीशन अब सुफिशेंट प्रूव करते हैं अगर ये हमारा जीरो के इक्वल है देन हमारे पॉइंट्स क्या होगी पॉइंट ऑन दी कर्व क्या होगा कापा स्क्वेयर टो इसको हम क्या बोल सकते हैं कापा स्क्वेयर टो इज इक्वल टू जीरो अगर के इज इक्वल टू जीरो है और टो इज इक्वल टू जीरो है देन पॉसिबल है इफ पॉसिबल लेट टो इज नॉट इक्वल टू जीरो एट सम पॉइंट ऑन दी कर्व देन नेबरिंग पॉइंट टो इज नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एट के इज इक्वल टू जीरो इन द नेबरिंग पॉइंट इज के इज इक्वल टू जीरो हैंस दर्वेज स्टेट लाइन पे हो जाएगा एंड टो इज इक्वल टू जीरो ऑन दिस लाइन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर एज्यूमशन टू इज नाट इक्वल टू जीरो टू इज इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट दस कर्वेज प्लेन कर हैंस प्रूफ नाउ लेट सी एग्जाम्पल देखते हैं अब फर्स्ट हमने जितने भी आर्टिकल ऊपर किए हैं उन आर्टिकल पर बेस्ड अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फोर द कर्व एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस जेड इज इक्वल टू दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड करवेचर एट एनी पॉइंट ऑन दी करव लेट स्टार्ट पार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है फोर ए कोस क्यूब टी फोर ए साइन क्यूब टी सी थ्री सी कोस टू टी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट कर दिया टी कैप इज इक्वल टू बोल सकते हैं इसको हम टी कैप देन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होएगा थ्री ए कोस क्वेट टी कोस का साइन टी ट्वेल्व थ्री साइन स्क्ट टी कोस टी एंड कोस का टू टी है देन क्या हो जाएगा टू इन टू साइन टू टी एंड डी टी बाई डी एस इसको हम क्या लिख सकते हैं ये एंड इसको क्या कर सकते हैं दिस मतलब आर वैक्टर डैश इज इक्वल टू इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे देन हमारा इक्वल क्या आ जाएगा ट्वेल्थ साइन टी कोस टी इंटू माइनस ए कोस टी ए साइन टी माइनस सी टी टी बाई डी एस इक्वेशन फर्स्ट अब हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा रूट हो जाएगा तो अंडर उन फोर्टी फोर साइंस स्क्टी को स्क्टी ए स्क्वेयर को प्लस ए साइंस प्लस सी इंटू डी टी बाई डी एस का होल स्क्वेयर टी कैप टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वन के इक्वल होता है इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन यहाँ से वन आ जाएगी देन इक्वेशन क्या बचेगी हमारी ट्वेल्थ साइन टी कोस्टी अंडर रुट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी टी बाय डी एस यहाँ से को स्क्टी साइंस स्क्वेटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वन के इक्वल हो जाएगी देन ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर दिस इक्वेशन से स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा देन इक्वेशन दिस आ जाएगी डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू किस के इक्वल आ जाएगा दिस के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू टी कैप इज इक्वल टू क्या आएगा वन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू माइनस ए कोश टी ए साइन टी माइनस सी आर वैक्टर डैश डबल डैश क्या हो जाएगा हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए साइन टी ए कोश टी जीरो एंड डी टी बाई डी एस आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू वन बाई ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्र ए साइन टी ए कोश टी एंड जीरो इंटू क्या लिख सकते हैं हम इसको वन अपोन ट्वेल्व साइन टी कोश टी इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बोल सकते हैं देन इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं वन अपोन ट्वेल्व ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वन अपोन साइन टी कोशी ए साइन टी ए कोश टी इन जीरो इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं देन हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी ए अपोन ट्वेल्व ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर सिक्न टी को सिकट टी एंड जीरो इसको हम क्या बोल सकते हैं वन बाय साइन टी वन बाय कोश टी को क्या बोल सकते हैं दिस एंड इज इक्वल टू सिंस प्रिंसिपल टू वेक्टर आर वेक्टर डबल डैश के होते हैं तो हमारे पास क्या हो गए ए सिकेंड टी अपॉन ट्वेल्व ए स्क्र प्लस सी स्क्वेयर ए को सिक्ड टी एक बार सिकेंड के साथ ले गई इसको एक बार को सिक्ड के साथ ले गई एक बार जीरो के साथ ले गए देन ए सिकेंड के साथ दिस को सिकेंड के साथ दिस जीरो के साथ दिस ये हमारे पास क्या हो जाएगी डायरेक्शन डेष ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल अब इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल की क्या बन जाएगी एक्स माइनस फोर ए कोस क्यूब टी अपॉन सिकेंट टी इज इक्वल टू वाई माइनस फोर ए साइन क्यूब टी अपोन कोसिकैन टी इक्वल टू जेड माइनस थ्री सी कोस टू टी अपोन जीरो अब हम क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे क्या होता है कैपिटल एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश इज इक्वल टू जीरो हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड आउट है देन हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इज इक्वल टू जीरो के ये क्या आ जाएगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन फ्रॉम पार्ट थर्ड कर्वेचर निकालेंगे ऑन दिक कर्व पे टी कैप इज इक्वल टू वन अपॉन दिस टी कैप का डैश क्या आ जाएगा दिस एंटी कैप का डैश को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं ऐसे देन हमारे पास टी कैप डैश किसके इक्वल होता है कापा एन कैप के इसको हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन को कि दिस इक्वल टू कापा एन कैप के अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे देन हम क्या करेंगे इसका स्क्वेयर कर देंगे एंड इसका अंडर रूट कर देंगे स्क्वेयर करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी ए स्क्वेयर सिकेंड स्क्वेयर टी अपोन में वन फोर्टी फोर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एक सेकेंड के साथ ले लेंगे एक बार टर्म एक बार को सिकेंड के साथ टर्म ले लेंगे जीरो के साथ टर्म लेगे तो जीरो हो जाएगी इसका अंडर रूट अंडर रूट हटा देंगे तो वन अपॉन टू हो जाएगा देन हम क्या बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर अपन को स्क्टी प्लस ए स्क्र अपोन साइंस स्क्टी का वन बाई टू हैं रिक्वायर्ड कर्वेचर इज दिस हैंड्स प्रूव्ड थैंक यू नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे